अपने नज़दीक के विद्युत सब स्टेशन जहाँ से आपके कार्यशाला में जहाँ से विद्युत आ रही है उसके नंबर की जानकारी भी आपको अवश्य होनी चाहिए। अपनी वर्कशॉप में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने वाला डिवाइस है जैसे कि MCB, सर्किट ब्रेकर, ये सब आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो सही प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि अगर किसी कारणवश दुर्घटना होता भी है तो हम सर्किट ब्रेकर से, MCB से, फ्यूज़ किटकैट से हम वहाँ पर दुर्घटना को रोक सकें और उससे होने वाली हानि को कम कर सकें। इसके अलावा वस्त्र के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर आप मशीन पर काम कर रहे हैं या किसी कार्यशाला में किसी भी तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो आपके कपड़े बिल्कुल सुनिश्चित वर्कशॉप वाले होने चाहिए, ना वो अधिक ढीले हों ना वो अधिक टाइट हों, दोनों केसेस में आपके साथ दुर्घटना हो सकता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। मेन स्विच हमेशा बंद करें अगर आपको मेन लाइन पर काम करना है, बिना मेन स्विच को बंद किए हुए आपको मेन लाइन लाइव वायर पर काम नहीं करना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो प्रिकॉशन, जो सेफ्टी हम नहीं रखते हैं और इनके वजह से अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे एक छोटी सी चीज़, जेब में जब आप काम कर रहे हैं तो कोई नुकीली चीज़, कोई नुकीली औजार यूं ही नहीं रख लें। जैसे अक्सर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन जो काम करते हैं स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करते हैं और उसको फिर से वो अपनी जेब में रख लेते हैं या साइड पैंट के पॉकेट की जेब में रख लेते हैं। इससे वो अगर किसी ऊंचाई पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी उनका ध्यान भटकता है विद्युत पर काम करते हुए और उन्हें उसकी वजह से एकाग्रता उनका ध्यान बढ़ जाता है या वो कहीं पैर में या आपकी बदन में लग जाता है तो ये भी आपका एक्सीडेंट का कारण बनेगा। ऊंचाई पर जब आप काम कर रहे हैं, लैडर के ऊपर, सीढ़ियों पर जब आप काम कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके साथ एक हेल्पर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप चिकनी फर्श पर काम कर रहे हैं तो उस लैडर के नीचे में आपको किसी प्रकार का जो फ्रिक्शन को ज़्यादा कर दे वैसी चीज़ जैसे टाट का कपड़ा, ये आपको बिछाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें सुनिश्चित क्या करनी है कि आपका जो हेल्पर जो नीचे से सीढ़ी को पकड़ रखा है उसका ध्यान बिल्कुल आपकी तरफ हो और सीढ़ी को संभालने की तरफ हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत देर ऊपर काम कर रहे हैं तो वो अपना फ्री हो जाए और अचानक से दुर्घटना हो जाए, ऐसा अक्सर होता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, और क्या सेफ्टी हम अपना सकते हैं। कार्यशाला में बिना अनुमति के, बिना परमिशन के आप खुद से किसी भी मशीन को, किसी भी उपकरण को ना चलाएं। ऐसा कई बार देखने में आया है कि कोई इंसान जिस मशीन को नहीं जानता है उसको छेड़ने चला गया, उसको चलाने चला गया वो, और वो दुर्घटना का कारण बना और उसकी जान भी उसमें जा सकती है और गई है। इसके अलावा जो पैनल्स हैं मशीन के हमारे वर्कशॉप में, उनकी देखभाल करना भी आपका काम है कि आप उसका देखभाल रखें, उसमें किसी तरीके की ख़राबी ना हो जाए कि अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो हमें पता चले कि उसमें तो ख़राबी है। इसके अलावा कार्यशाला में कार्य करते समय ऐसे तार जहां पर इंसुलेशन हट गया है तो कभी भी आप उन्हें नंगे हाथों से आप नहीं काम करेंगे, उस पर आपको पहले इलेक्ट्रिसिटी को काटना पड़ेगा, मेन स्विच बंद करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो रही है और तभी आप उस तार पर काम कर सकते हैं। ये कुछ सेफ्टी है जो हमें अपनानी चाहिए। ये तो बात हो गई सेफ्टी की। अब कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिनको अक्सर हम लोग किनारा कर देते हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इनके वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुछ प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन फ्रॉम एक्सीडेंट क्या है। सबसे पहला, सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाना। जितने भी सुरक्षात्मक चिन्ह हैं उनको ज़रूर से ज़रूर हमें उसके सही जगह पर लगाना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होने से रुकते हैं। विद्युत यंत्र, मशीनों पर ख़तरे का निशान बनाना, वहाँ पर अगर किसी प्रकार का ख़तरा है तो ख़तरे का निशान को दर्शाना, ये भी प्रिकॉशन है। प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित पोस्टर लगाना या उस
से संबंधित चार्ट लगाना कि अगर कोई अननोन व्यक्ति उसके पास में जाता है तो उसे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को वो हाथ लगाएगा तो दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरीके के चार्ट लगाना हमें दुर्घटनाओं से बचाता है। आग बुझाने के लिए रेत से भरी बाल्टियाँ, जो सिलेंडर्स होते हैं वो सही जगह पर मौजूद होने चाहिए। प्रत्येक वर्कशॉप में प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है उसके चित्र ज़रूर होने चाहिए कि अगर एक अननोन आदमी भी है, वो नहीं जानता है या थोड़ा बहुत वो जानता है, तो उन चित्र से वो उस इमरजेंसी के वक्त में सहायता ले सके। प्रत्येक कार्यशाला जहां आप उद्योग चला रहे हैं या घर का जो मेन स्विच है, ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए कि हर इंसान की आसानी से वहां पर पहुंच हो, हर इंसान वहां पर आसानी से पहुंच सके। क्योंकि अगर मेन स्विच आप बहुत ज़्यादा ऊंचा लगा देते हैं तो ये प्रॉब्लम है कि अगर दुर्घटना हो रही है, किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कोई करंट किसी को लग गया है, तो वहां पर मौजूद इंसान उस मेन स्विच तक पहुँचते ही बहुत सारा वक्त निकल जाएगा। तो उसे ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए कि वो हर इंसान के पहुँच में हो। किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पहले उसका अर्थिंग ज़रूर चेक करना चाहिए कि अर्थिंग वायर सही कनेक्टेड है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है दुर्घटना का। जितनी भी मशीनें हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें ये ऐसा हो सकता है कि लीकेज करंट आ रहा हो, और वो लीकेज करंट अगर आप अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे में से होते हुए वो ज़मीन में चला जाएगा और हमें विद्युत का झटका लगेगा। एक आखिरी प्रिकॉशन, प्रत्येक औज़ार आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं, हर औज़ार उसको उसकी सही जगह पर रखें। आपने किसी चीज़ को इस्तेमाल किया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा कारण बनता है एक्सीडेंट का। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा कारण बनता है। जैसे आपने स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल किया और आपने वहीं छोड़ दिया, आते जाते हुए इंसान के पैर के नीचे पड़ सकता है, या आप जब लैडर पर ऊपर चढ़ गए हैं तो नीचे आपको वो सामान नज़र आता है जो आपको ऊपर चाहिए होता था, आपने उसे सही टूल किट में नहीं रखा और फिर हड़बड़ी में दुर्घटना हो जाती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो हमें ज़रूर अपनाने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एक्सीडेंट्स के कारण क्या होते हैं और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। शुक्रिया।